हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल एंट्रेंस एग्जाम गाइड। सो गाइस, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं LUCSAT लुकास 2022 के बारे में। जी हाँ गाइस, आप लोगों का यहाँ पे जो लुकास 2022 का एप्लीकेशन फॉर्म कब रिलीज होगा, किस तरह से एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर के, ऑफिशियल लिंक कहाँ से मिलेगी, एडमिट कार्ड किस तरह से डाउनलोड करना है, सिलेबस किस तरह से चेक कर सकते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है, कौन कौन लुकास 2022 के लिए अप्लाई कर सकता है, कौन कौन अप्लाई नहीं कर सकता, हर एक चीज डिटेल में डिस्कस करेंगे आज इस वीडियो में। सिंपली आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि अगर लुकास 2022 की कोई भी नई अपडेट आती है, कोई भी नोटिफिकेशन रिलीज होता है, तो हम आपको वीडियो के थ्रू अपडेट करके आप लोगों को नोटिफाई कर पाएंगे। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे जो हम लुकास की हाइलाइट्स डिस्कस करेंगे, लाइक LUCSAT की लुकास 2022 का फुल फॉर्म क्या है, लखनऊ यूनिवर्सिटी कंप्यूटर साइंस एडमिशन टेस्ट यहाँ पे जो लुकास का फुल फॉर्म है, उसी के साथ गाइस यहाँ पे जो एग्जाम है, यहाँ पे टाइप ऑफ एग्जाम PG कोर्स है, नेशनल लेवल स्टेट लेवल के एग्जाम है यहाँ पे, यानी कि लखनऊ स्टेट के लिए यहाँ पे ये एग्जाम कंडक्ट किया गया है। कोर्सेज यहाँ पे MCA के रिगार्डिंग सारे के सारे आपको कोर्सेज मिलेंगे। अब गाइस ये जो एंट्रेंस एग्जाम है लखनऊ यूनिवर्सिटी कंप्यूटर साइंस एडमिशन टेस्ट किसके थ्रू कंडक्ट करवाया जाता है, सो गाइस लखनऊ यूनिवर्सिटी के थ्रू ही आप लोगों का ये जो एंट्रेंस एग्जाम है यहाँ पे कंडक्ट करवाया जाता है। ऑनलाइन में आप लोगों का एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज होगा, यानी कि आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो है आपको ऑनलाइन मोड में उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे फिल करके सबमिट करना होगा। एग्जाम ऑफलाइन मोड में होगा, पेन पेपर बेस्ड टेस्ट आप लोगों का एग्जाम लिया जाएगा, टोटल 2 घंटे दिए जाएंगे, 2 घंटे में पूरा पेपर आप लोगों को कंप्लीट करना होगा। नेक्स्ट बात करेंगे एग्जाम डेट्स के बारे में। सो गाइस आप लोगों के यहाँ पे जो एग्जाम डेट्स है LUCSAT 2022 की, वो अभी तक ऑफिशियली रिलीज नहीं की गई है, यानी कि गाइस अभी तक ऑफिशियल अथॉरिटी ने आप लोगों की जो है डेट्स अनाउंस नहीं किए, लेकिन जैसे ही डेट्स अनाउंस होगी हम तुरंत एक वीडियो बना के आपको नोटिफाई कर देंगे, उस वीडियो में कंप्लीट डेट्स आपको जो है डिस्कस करके बता दी जाएगी। साथ ही साथ आपको बता दूं कि मोस्ट प्रोबेबली आपका जो एग्जाम है यहाँ पे सितंबर में आप लोगों का एग्जाम यहाँ पे कंडक्ट करवाया जाता है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म पे। सो गाइस आप लोगों का जो एप्लीकेशन फॉर्म है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, क्योंकि एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हैं जब अगर आप कोई भी गलती करते हैं, कोई मिस्टेक करते हैं, कोई इनवैलिड डिटेल एंटर करते हैं, तो आपका एप्लीकेशन यहाँ पे रिजेक्ट हो सकता है। तो उसका सॉल्यूशन क्या वो भी डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ पे एप्लीकेशन का एक ओवरव्यू दे देता हूँ, लाइक क्या प्रोसेस है उसका। सबसे पहले आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स, नाम, ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, कम्युनिकेशन एड्रेस एक्सेट्रा एक्सेट्रा आपको जो है एंटर करने होते हैं। उसके बाद आप लोगों को जो है पेरेंट्स डिटेल, एकेडमिक डिटेल, एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिटेल्स, देन डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है, फोटोग्राफ सिग्नेचर, उसके बाद लास्ट में एप्लीकेशन फी पे करना है, तब जाके आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होता है। और ये सारे प्रोसेस में गाइस अगर आपने कोई भी गड़बड़ की, कोई मिस्टेक की, आपका एप्लीकेशन डायरेक्टली रिजेक्ट हो जाएगा, आपका एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं होगा। तो गाइस अब यहाँ पे आपको क्या करना है, सिंपली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि गाइस जैसे आप लोगों का एप्लीकेशन यहाँ पे रिलीज होता है, उसके अगले ही बार हम उसके ऊपर एक वीडियो बना देंगे, वीडियो में लाइव एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके बताया जाएगा, आपको सिंपली वही स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर फॉलो करना है। उस वीडियो में गाइस आपको फ्रॉम स्टेप 1 टू फाइनल सबमिशन, यानी कि नाम एंटर करने से आप जो अपना फर्स्ट टाइम में नाम एंटर करेंगे, तो वहां से लेकर फाइनल स्टेप जो आपका एप्लीकेशन फी पे करनी रहती है, तब तक पूरा वीडियो कंप्लीटली आपको लाइव एप्लीकेशन फिल करके बताया जाएगा। तो सिंपली आप आसानी से उस वीडियो के थ्रू अपना एप्लीकेशन फॉर्म बिना किसी गलती के सबमिट कर पाएंगे। तो मेक श्योर कीजिए आपने चैनल को सब्सक्राइब किया हो। बात कीजिए एप्लीकेशन फी की, तो गाइस ₹800 जनरल कास्ट एंड OBC की एप्लीकेशन फी है, वही SC और ST की गाइस यहाँ पे ₹400 एप्लीकेशन फी रखी गई है। नेक्स्ट बात करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब गाइस यहाँ पे जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हर एक कोर्स के लिए अलग है। फर्स्ट ऑफ ऑल बिना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेटिस्फाई किए आप इस एग्जाम के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, इस यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले आपको इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेटिस्फाई करनी है। अब गाइस यहाँ पे जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हर एक कोर्स के लिए यहाँ पे अलग अलग है, UG कोर्स, PG कोर्स, MBA कोर्सेज, जिस भी कोर्स के लिए अप्लाई करना है हर कोर्स के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे अलग दे दी गई है। आप कंप्लीट एलिजिबिलिटी अपने कोर्स के हिसाब से चेक कर सकते हैं सिंपली डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक के थ्रू। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कुछ कुछ मेन एलिजिबिलिटी बता देता हूँ। UG के लिए आप 12 पास आउट रहने चाहिए, PG कोर्स के लिए आपका ग्रेजुएशन रहना चाहिए कंप्लीट विथ मिनिमम 45% और रिजर्व पास के लिए 40%, MBA के लिए आपका ग्रेजुएशन रहना चाहिए,
और जो ग्रेजुएशन का सिस्टम है प्लस 10 प्लस 2 प्लस यानी कि 10th 12th देन ग्रेजुएशन आपका रहना चाहिए। और उसी के साथ अब नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे एग्जाम पैटर्न के बारे में। अब गाइस आप लोगों का जो एग्जाम पैटर्न है उसमें आपको हर एक डिटेल लग के एग्जाम के रिगार्डिंग बता दिया गया। लाइक आप लोगों का एग्जाम ऑफलाइन मोड में कंडक्ट होगा, 100 मार्क्स का आपका पेपर रहेगा, टोटल आपको 100 क्वेश्चन सॉल्व करने रहेंगे, सारे के सारे क्वेश्चंस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी कि एक क्वेश्चन के चार ऑप्शन, चार ऑप्शन में से जो भी ऑप्शन सही लगे वो एक ऑप्शन आप डायरेक्टली सेलेक्ट कर सकते हो। उसी के साथ टोटल 90 मिनट लेंगे, 90 मिनट में पूरा पेपर आपको सॉल्व करना है, कोई भी एक्स्ट्रा टाइम नहीं दिया जाएगा। हर एक सही आंसर देने पर आपको 4 मार्क्स दिए जाएंगे और यहाँ पे उसी के साथ कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अब नेक्स्ट हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे गाइस सिलेबस के बारे में। तो आपको बता दूं कि गाइस आप लोगों का कंप्लीट सिलेबस आप अगर चेक करना चाहते हैं सिंपली डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक के थ्रू वहां से आप डायरेक्टली कंप्लीट सिलेबस चेक कर सकते हैं। क्योंकि गाइस कंप्लीट सिलेबस यहाँ पे हम डिस्कस नहीं कर सकते, वीडियो में पॉसिबल नहीं हर एक टॉपिक को डिस्कस करना, तो आप डायरेक्टली डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक के थ्रू वहां से अपना कंप्लीट सिलेबस चेकआउट कर पाएंगे। नेक्स्ट बात करेंगे हम एडमिट कार्ड के बारे में। सो गाइस आप लोगों का LUCSAT 2022 का जो एडमिट कार्ड है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि विदाउट एडमिट कार्ड आप लोग इस एग्जाम के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, इवन एग्जाम सेंटर में भी आपको घुसने नहीं दिया जाएगा। तो आपको क्या करना है, सिंपली एडमिट कार्ड के 3 से 4 प्रिंटआउट निकाल के रखने हैं। अब गाइस कई बार का जो स्टूडेंट्स को पता ही नहीं चल पाता कि एडमिट कार्ड रिलीज हो चुका है, वो एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं कर पाता, तो आपके साथ ऐसा कुछ नहीं, इसलिए आपको सिंपली क्या करना है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, ताकि जैसे आप लोगों का एडमिट कार्ड रिलीज होगा, एडमिट कार्ड रिलीज होता है हम आपको वीडियो के थ्रू अपडेट कर देंगे, वीडियो में आपको बता दिया जाएगा किस तरह से एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है, साथ ही डिस्क्रिप्शन में ऑफिशियल लिंक दे दिए कि ताकि आप आसानी से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर पाए। अब गाइस इसी तरह से आप लोगों का सेम चीज फॉलो होता है रिजल्ट के लिए, रिजल्ट भी जैसे डिक्लेयर होगा तुरंत आपको अपडेट करके नोटिफाई करके बता दिया जाएगा। सो नाउ आई होप कि अभी आप लोगों को LUCSAT 2022 के रिगार्डिंग कुछ भी डाउट नहीं होगा। इनकेस कोई डाउट है, कोई भी हेल्प चाहिए आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम जरूर आपकी मदद करने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।